अभी हम आए हैं भलासवा बोटिंग सेंटर पे, ठीक है। यहाँ पे टिकट लेकर के अंदर जाने के लिए बोला है, गाड़ी वाड़ी अंदर जाती नहीं है, तो हमने बाइक यहीं खड़ी कर दी है, ठीक है। तो 130 रुपए की पैडल बोट है। सो अभी चलते हैं मंदिर की तरफ और टिकट बाय करते हैं। हम आए हैं भलासवा, यहाँ पे बोटिंग के लिए आए हैं, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में कहीं बोटिंग नहीं हो रही, तो आज हम यहाँ पर बोटिंग करेंगे। और देख सकते हो यहाँ का व्यू, यहाँ पे काफ़ी सारी बोट्स है। ये एक दिल्ली टूरिज्म की तरफ से है, हर बोट पर आपको दिख रहा होगा दिल्ली टूरिज्म का। और यहाँ पे 30 मिनट्स के लिए है, ठीक है, 130 रुपीज़ में हम 30 मिनट्स के लिए यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। सो अभी चलते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ की बोटिंग को। सो गाइस, ये देख सकते हो अभी हम आए हैं भलासवा, ठीक है। ये यहाँ पे बोटिंग सेंटर है, यहाँ पे बोटिंग होती है, और जिसका प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ। और टाइमिंग अलग अलग है, ठीक है, 1 अक्टूबर से लेकर मार्च तक का 11 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइमिंग है, ठीक है। तो अभी ये बोटिंग है, पैडल बोटिंग है बेसिकली, आप देख सकते हो। और ये मेरे पास लीवर है इसका, लेफ्ट टू राइट करने के लिए, ठीक है। मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है। दिल्ली में तो बोटिंग बंद हो चुकी है, आप सबको पता है, पहले इंडिया गेट पर होती थी, वहाँ ही बंद। हम ईओडी गए, ईओडी में भी नहीं मिली, तो इसीलिए मैंने एक लोकेशन ढूंढी भलासवा बोटिंग, जहाँ पे हम आए बोटिंग करने के लिए। और इसका व्यू देख सकते हो, दूर दूर तक इस लेक में पानी भरा हुआ है, और बहुत अच्छी जगह है गाइस, ठीक है। तो अभी हम इस चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं, और तब तक के लिए आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, जो भी सिनेमैटिक्स हम दिखाएंगे वीडियो में, और बाकी जैसा भी होता है हम आपको बताएंगे। सो गाइस, यही है एक्सपीरियंस, देख सकते हो, ठीक है, काफी बढ़िया व्यू है भाई, मजा आ रहा फुल ऐसे, ये बात मतलब फुल नैनीताल का तो व्यू आ चुका है। नैनीताल में बोटिंग होती है ना गाइस, तो कोई नहीं, हम यहाँ पर ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये देखो कितना जेन्युइन व्यू है भाई, कसम से, रियली आई लव इट। मतलब वसूल तो हो रहे 130 रुपये कह सकते हो आप, है ना गाइस। पानी भी देख सकते हो, मतलब इतना गंदा नहीं है, और ना स्मेल आ रही है, आप देख सकते हो। ये लेक पूरी दूर दूर तक फैली हुई है, और वो बोटिंग हाउस है वहाँ का, ठीक है। वहाँ से ही हम आए हैं, हमें 30 मिनट का टाइम मिला है, ठीक है। सो ये कुछ व्यू है यहाँ का, भलासवा बोटिंग के नाम से जाना जाता है ये एरिया। और ये छोटे छोटे फाउंटेन्स दिख रहे हैं आपको, ये रात में चलते हैं लाइटिंग के साथ, वो व्यू भी काफ़ी अच्छा होता है। सो गाइस, मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया, ठीक है। स्टार्टिंग में तो मैं चलाना नहीं आ रहा था, बट हाँ चलाते चलाते थोड़ा थोड़ा सीख गए कि हैंडल को कैसे कैसे मोड़ना है, कैसे कैसे सही तरीके से लेके जाना है। और गाइस, जैसे अपने दिल्ली साइड में है ना एक कूड़े का पहाड़, मैं अभी आपको दिखाता हूँ उस तरफ, देखो मैंने अभी नोटिस किया है, जस्ट ये कूड़े का पहाड़ ना लिटरली गाइस हमारे यहाँ से भी बहुत ऊंचा लग रहा है, अपने इधर ओखला साइड से। और ये हाईवे देख सकते हो आप उस तरफ में सीधा, ठीक है, उधर आपको फ्लैग्स दिख रहे होंगे अपनी अपनी कंट्री के। और ये व्यू तो आप इंजॉय कर ही रहे होंगे गाइस, सच में काफ़ी बड़ी लेक है लिटरली। और साथ ही साथ गाइस, ये जो बोटिंग एक्सपीरियंस है ना, वो आप फैमिली के साथ भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, जैसे कि आप 4 फैमिली मेम्बर्स हो, ठीक है। अगर आपके साथ 5 साल तक का छोटा सा बच्चा है ना, तो आपको ये बोट मिल जाएगी, ठीक है, 130 रुपीज़ में ही, ठीक है। और अगर 6 पीपल्स है तो 6 पीपल्स के लिए भी अलग रेट है, और उसके लिए भी बोट्स अलग है गाइस, ठीक है। और आप अपनी फैमिली के साथ, कपल्स के साथ आ सकते हो, ठीक है, इन्जॉय कर सकते हो यहाँ के नेचर को, यहाँ के मूवमेंट को। और अगर गाइस आप ठंडियों में आओगे ना, तो यहाँ का व्यू और भी अच्छा मिलेगा आपको, कोहरे के साथ एकदम मस्त। अभी हम जस्ट उतरे हैं इस बोट से, ठीक है। तो हमारा तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, और आप लोग भी आओ, एक्सप्लोर करो और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, ठीक है, कमेंट्स में आकर के। सो अपना तो बहुत बढ़िया था गाइस। सो अभी हम चलते हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे और आप घर निकल जाएंगे। सो अगर आप लोगों को भी आना हो ना, तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा आपको जहांगीरपुरी का, ठीक है। वहाँ से निकल करके आप अपना ऑटो लेना बैटरी वाला, 10-10, 20-20 रुपये लेगा आपसे, और आपको गेट तक छोड़ देगा, ठीक है। फिर आप मेट्रो से भी आ सकते हो, और अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो वहाँ से भी आ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट ऑल्सो।